अच्छा इनकी कौए पता ना ही गई इतने दिना बिया में छिपी बैठी हैं। तो ये एक करील के पेड़ में छिपी बैठी हैं, या बियाबान जंगल तो यही हो, तो अपना छत्र नहीं बनाती हैं ये। तो यानी कि खुले में है, खुले में रहती हैं माता, जो कह रहे चारों तरफ बनाओ पर मेरा छत्र मत बनाओ। एक दिन तो आवाज आई कि ले ले कितना चाहिए, जाना एक तरह जानो खोल दियो, ऐसे देख के नहीं सोई अंतर ध्यान है गई। वो सवरे लौट आई आंधी उड़ा के ले गई सवर में। तो माता रानी ने उनके लिए बता दई, किसी को बताना मत, मैया 3 दिना तानी देगी तुमको। अच्छा मेरी सेवा कर चाह सकेंगे कि नहीं, 3 दिना तानी तुम कठिनाई में आओगे। अच्छा अच्छा। और कठिनाई में आके 4th दिना तुमने ऐसे ही ले आवेगी बिल्कुल। से माँ के जो दर्शन के लिए एंटर होते हैं, देखो मोर बैठा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ, ये ब्रज का एक वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण संग श्री राधा रानी की सखियों की भी लीला रही है। तो आज मैं कहाँ पे हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर मेन रोड पे, जो कि ये आप सीधी जो सड़क देख रहे हैं ये जा रही है आगे रावल गांव के लिए, जो कि गोकुल से होती हुई जा रही है। और इस टाइम पर मैं हूँ माँ चंद्रावली के द्वार पे खड़ा। आज मैं आपको इसी स्थान में दर्शन कराऊंगा, यहाँ पे किस तरह के दर्शन होते हैं, क्या यहाँ की लीला है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलते हैं अंदर, हालांकि यहाँ से कम 500 मीटर दूरी पे अंदर माता जी का मंदिर है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने आप पढ़ेंगे लाल रंग का द्वार है, लाल और सफ़ेद रंग का, और ऊपर लिखा हुआ है माँ चंद्रावली धाम। बाकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और यहाँ पे एक वृक्ष में माता के दर्शन होते हैं, वो सब आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। हम आपको अब मेन दर्शन कराएंगे जो माँ चंद्रावली के यहाँ पे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, अब अंदर आने के बाद मैं आ गया हूँ मुख्य द्वार पे, माँ चंद्रावली के जो मंदिर है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखो जो मुख्य गेट है वो है इस तरीके से, और ये पूरा एरिया ओपन है। और हालांकि मैं एक बात और आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, आसपास यहाँ पर कोई ऐसा कोई गाँव या कोई नहीं देखने को मिला हमें, लेकिन बताया गया है कि यहाँ पर माता रानी का जो रूप है वो खुले में विराजमान है। सामने लिखा है चंद्रावली मंदिर। मंदिर में आने के बाद देखो मुख्य गेट है ये, मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको खुले में इस प्रकार यहाँ पे जो सामने दिख रहा है एक बड़ा विशाल पेड़ पीपल का, एक ये पेड़ मौजूद है। और जो माँ के दर्शन हैं वो वहाँ पे होते हैं, आपको वहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे अभी। और साथ ही यहाँ पे सभी भगवान के दर्शन हैं उस तरफ में भी, और कुछ इस तरीके से आपको प्रांगण के दर्शन कर लीजिए आप। ये प्रांगण है मंदिर का, और भक्तजन आते हैं यहाँ से जाते हैं, और सामने से बैक साइड से वहाँ से माँ के जो दर्शन के लिए एंटर होते हैं। देखो मोर बैठा है उधर। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे की कथा मंदिर जानते हैं। यहाँ पे नित्य इतने भक्तजन आके दर्शन करते हैं जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। दोपहर का टाइम है, इस टाइम पर 4 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए क्योंकि 24 आवर ये खुला रहता है, 24 घंटे खुले हैं दर्शन माँ के, यहाँ पे आप कभी भी आके कर सकते हैं, इसलिए इस टाइम पर 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कितने भक्तजन यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। मैं आया था आज से एक दिन पहले, यानी कि कल, यहाँ पर संध्या के टाइम पर, शाम के टाइम पर, उस टाइम पर इतने श्रद्धालु थे दर्शन के लिए, मैं वेट कर रहा था तब मुझे यहाँ पर दर्शन मिले। और इस टाइम पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है दर्शन के लिए, तब आपको दर्शन माई के होते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भक्तजन होते हैं वो खुद यहाँ पे पूजा करते हैं, लाइक आराम से बैठकर पूजा करते हैं। और माता जी ने हमें बताया कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, खाली माई के दर्शन होते थे, लेकिन उन्हीं पुजारी ने पूरा, आप जो देख रहे हैं आसपास जितना भी यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे आप पीछे मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। वरना यहाँ पे माता रानी जो है कुछ भी यहाँ पे बनाने नहीं देती हैं, वो ओपन रखती हैं। वो जो पुजारी थे यहाँ पे, माई के सेवक थे, उनकी समाधि के सामने ही मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यही वो पुजारी थे, यही वो सेवक थे माता रानी के, जो यहाँ पे माई के परम सेवक थे यहाँ पे, और माई ने
जिसे कहते हैं, इनको अपनी शरण में ले लिया था बहुत जल्दी, जैसे कि माताजी ने हमें बताया। और इन्हीं के द्वारा ही जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा सब निर्माण एक तरीके से इन्हीं के द्वारा हुआ है जो आप सामने देख रहे हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि हम आपको अंदर लेके आएंगे और यहाँ की जो जानकारी है वो आपको देंगे और यहाँ की कथा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ है यहाँ पे माता जी, उनसे जानते हैं यहाँ की कथा के बारे में। राधे राधे माता जी। राधे राधे माता जी। यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा, चंद्रावली मैया का क्या यहाँ पे महत्व है और किस प्रकार यहाँ पे वो प्रकट हुई है। जय माता की। जय माता जी। ये माता जी हैं कृष्ण भगवान की प्रिया सखी, बाल रूप में छोटे छोटे बचपन में खेलते थे, खेलते खेलते इधर चले आए। कृष्ण भगवान बोले कि आप माता जी यहाँ बैठना चंद्रावली, हम नंद बाबा से मिलके अभी आते हैं। तो भगवान माता रानी बैठी रही, शाम हो गई, भगवान नंद बाबा से मिलके आए नहीं, लौट के वापस नहीं आए जब तक शाम हो गई। फिर शाम को माता जी बोली चंद्रावली कि हम अब कहीं जाना नहीं चाहते हैं, हमको यहीं जगह दो। धरती माता से बोली, हमको धरती माता यहीं जगह दो, हम अब कहीं जाना नहीं चाहते हैं और इसी जगह हम रहेंगे प्रगट। रह गई माता जी, जगह खुल दई, अलोप हो गई। तो तब से यहीं पर विराजमान है माता। तब से यहीं विराजमान है। फिर जे ऊपर आई निकल के नहीं, फिर जिनने आकाशवाणी करी, जैसे गांव में ढूंढने लगे तो आकाशवाणी करी कि हमें कहीं मत ढूंढो, जहाँ हम हते ऊपर आएंगे तो हमारी भोर पूजा होगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, जैसी कोई हमारे दरबार में लेके आएगा, पर अपना छत्र नहीं बनाएंगे। तो अपना छत्र नहीं बनाती हैं जो। तो यानी कि खुले में है माता। खुले में रहती हैं माता, क्योंकि चार तरफ बनाओ पर मेरा छत्र मत बनाओ। तो कभी जैसे प्रयास किया हो छत्र लगाने का या कभी? हाँ जी, खम्मा लगवाए, सो खम्मा हिले हिले हैं बहू। तो यानी रहते हैं, यानी कि वो अपने सर पे छत्र नहीं लेती है माता रानी, अपने छत्र ना बना देती हैं। एक बार यहाँ बदमाश आए गए, तो जी माता रानी की सेवा में शनिवार को जी मैया को खप्पर भरते, कछु भी ना हो, यहाँ छोटा सा गड्ढा खोद लेते रेत पर ही, रेत में छोटा सा गड्ढा खोदो और वहाँ में हवन करो, धूप जायफल जो अपना पूजा सिद्धि करते वही में सिद्धि करके नहीं आ। फिर वाके बाद में फिर जे रात को 12 बज जाते 11 बज जाते तो अपने जे पटिया पर ही है यहीं पर, पटिया पर लेट जाते। तो एक दिना की रात ले, रात में भी पूजा करने आते हैं इनकी माता रानी की। आज भी? हाँ आज भी आते हैं जी, रात में भी आते हैं। तो जैसे चोर चोरी करवे जाए तो रात में मैया मना के जाते पहले। अच्छा। जब कहूँ जाते तो एक दिन सो रहे हैं यहाँ 11-12 बजे के बीच में झटबू आए गए, बिन्ने जो कह दई कि कोई रे बिन्ने कोई ज्ञान ना करो कि ना टोके, हम टोक दीने फूल बोरे हम टोक ही जाए कि कोई रे ऐसे कह दई। इनमें गोली मारी जी। तो इनने एक गोली तो इनकी न्योले कर गई, एक गोली टांगन के बीच में है कि न कर गई, तीसरी भरी जब तानी तो बंद कर देनी सब। अच्छा। पत्ता पत्ता नाल पाल सब बंद कर देनी। हाँ फिर इनकी गोली पोली कछू ना चले। फिर बोले कि जी वैसे लड़ेंगे तो फिर वो इधर को चारों तरफ यहाँ पूरा कजाड़ो तो है ही हो, शेर वगैरह सब रहते हैं यहाँ, पहले बियावान जंगल हो, अब तो जी जनता बस गई है सब कछु है वो, अब तो नहीं, पहले तो बियावान जंगल है। ऐसी कहानी है माता रानी की। तो ये जब शरीर उनका पूरा हुआ महाराज जी का, तो कितने समय पहले की बात है ये? 18 साल भैया, भाई ज़्यादा ना भाई, 18 साल पहले। हाँ 18 साल। तो जैसे कहते हैं दर्शन करें या फिर सबने यहाँ पे जो आसपास आते हैं उनके? हाँ सब दर्शन करें, सब मंगती मांग के जामे जी पूरी करें जी, और माता जी, माता जी पूरी। हाँ माता जी इनके खूब कहन है मैया जी कि जो कोई मेरे दरबार में आएगा मेरे दर्शन करेगा, मेरे भगत के दर्शन करेगा, मंगो पूरी करेगी माता रानी। तो माता जी एक बात और बताना, जो माई के विग्रह के दर्शन हो रहे हैं शिला रूप में हमें, ये भी प्राचीन है? प्राचीन है मैया रानी। कितना कब की? ये तो भगवान के जमाने की है, तभी से प्रकट हुई है। हाँ तभी की प्रकट है ये, पर इनकी मानता ना ही बादन थे। अच्छा। इनकी कहुए पता ना ही कि इतने दिना ये मैया रानी जहाँ छिपी बैठी हैं, तो ये एक करील के पेड़ में छिपी बैठी हैं, या बियावान जंगल तो यही हो, कोई बड़े बूढ़े आते हैं जैसे 2-4 जने तो बिन्ने माला भी बड़े बूढ़े ने कि यहाँ कोई चीज़ निकली है, यहाँ कोई प्रतिमा निकली है, तो जब वो इनने नवावे लग गए
तो इनने नभावे लगे तो इनकी माता रानी ने परचौदीनों चारों तरफ। अच्छा। फिर इनकी शक्ति बढ़ती चली गई, शक्ति जब ते बढ़ी इनने करो और एक इनके बुए चाचा ब्रह्मचारी बिनने करी, बिनने कही कि तुम मैया नवा करो। वो मैया रानी साक्षात आ गई, तो वो साक्षात ही आई मैया रानी इनके सामने, साक्षात साक्षात आई। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी ये कथा। परीक्षा ली नहीं मैया रानी ने, परीक्षा ली पूरी, परीक्षा ली नहीं इनकी, महाराज की परीक्षा ली नहीं। अच्छा अच्छा। कि जे सच्चे के कैसे हैं मैया जाने, सगवात जब ही तो भक्त बनावे। जी जी। तो एक दिन तो मैया रानी ने अपने बम घेरा में लोटन ते वर्दी नहीं खूब कि जे उठा में। अच्छा। तो इनने तो आंख मीच के नहीं हाथ जोड़ दिए, सो आवाज आई के ले ले कितना चाहिए, यानी खजाने खजाना एक तरीके खजाना खोल लियो। तो माता रानी के हाथ जोड़ के निया कि मैया मैं तो पूजा ही कर गया, कौन है कोई दीख तो रोना चारों तरफ ऐसे देख के नहीं सोई अंतर ध्यान है गई। वो सबरे लोट आई आंधी उड़ा के ले गई, सबर ने सारे लोटे सारे लोटन में उड़ा के ले गई इधर को। तो माता रानी ने उनके लिए बता दी किसी को बताना मत, मेरी सेवा करे तो कौए ही मत बताइयो घर में, तो हमें कौए ना बताते, रात रात भर रह जाती मैया की सेवा में। अच्छा। ना अपने पिताजी ने बताते, ना कोई ये बताते ही ना। तो माता जी जैसे कि घर कहाँ पे हैं जो पंडित जी थे? घर यहीं है, थोड़ी दूर महावन में ही है। महावन में ही है। हाँ। तो आज भी है परिवार उनका? आज भी है सब, तो सब हैं जो नाती बेटा बनाई के लगे हुए हैं सब। अच्छा। हाँ। अच्छा, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं? उन्हीं की सेवा है। बहुत ही सुंदर, बहुत सेवा में लग रहे हैं सब, नाती बेटा। तो यानी कि वो परिवार आप ही है? हाँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कृपा है माँ की, और ये कृपा सब पे बनी रहे। और जैसे कि सब भक्तों से हमें पता चला कि मनोकामना का पूर्ण करती है माई। हाँ। सोमवार के लिए स्पेशल, सोमवार को अगर यहाँ पे कोई पूजा करता है तो परीक्षा भी लेती है कुछ समय तक, परीक्षा ले वे। तो वो होते नहीं मैया की लग के पूरे हुए, मैया तीन दिना तानी देगी तुमको। अच्छा। मेरी सेवा कर जा सकेंगे कि नहीं, तीन दिना तानी तुम कठिनाई में आओगे। अच्छा अच्छा। और कठिनाई में आके चौथे दिना तुमने ऐसे ही लिया आवेगी बिल्कुल। तो माता जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम? ओमती। ओमती सेवा में ही है माता जी? हाँ, सेवा में ही रहते हैं। सेवा में। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे कथा सुन के, और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं शीघ्र आए मां के दर्शन करें और आनंद का लाभ लें। राधे राधे माता जी। राधे राधे, जय हो, कृपा आनंद। माँ शेरावाले की कृपा सदैव बनी रही है, जहाँ पर भी माँ के दर्शन के लिए जाता हूँ माँ का आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ पर भी आया दर्शन के लिए और बहुत भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि माई का हर बार जो चमत्कार देखने को मिलता है कि माँ की कृपा इस प्रकार होती है कि कहीं ना कहीं से माई का प्रसाद मिलता है, और यहाँ पर भी बहुत आनंदपूर्वक दर्शन हुए। मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ की लोकेशन मैं वैसे आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप यहाँ पर सरलतापूर्वक यहाँ पर दर्शन के लिए आ सके। लेकिन ये मंदिर जो है ये चंद्रावली माता जी के नाम से जाना जाता है, आप यहाँ पर भविष्य में सरलतापूर्वक आ सकते हैं और आपके लिए ईजी होगा। जो राधा रानी का जन्म स्थल है यानी कि रावल गाँव है, जो रावल गाँव से पहले ही ये कट आता है जो कि चंद्रावली माता का द्वार आपको मेन दिख जाएगा रोड पे ही, रेड और वाइट कलर में, जैसे कि हमने आपको दिखाया भी था राधे कृष्ण के दर्शन होते हैं। इस टाइम पर बारिश आ गई है, सूरज निकल रहा है लेकिन देखो बारिश आ रही है। इस टाइम पर बारिश देखो कितनी तेज हो गई है, और धूप सूरज है धूप है लेकिन बारिश देखो आप, आई होप कि आप देख पाएं बारिश हो रही है। देखो ये यहाँ पे पीपल का वृक्ष है, यहाँ पे भी आके हमने कल जो देखा वो था कि भक्तजन यहाँ पर भी जोत लगाते हैं आके शाम के टाइम पर। और सामने है महाबली हनुमान जी और शिव परिवार, और देखो मोर की आवाज़। तो जैसे कि आपको हमने दर्शन कराए, आपने कथा सुनी, आपने दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे जो पुजारी जी थे उनके बारे में जाना,
तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन भक्तों के लिए जो माता रानी के परम भक्त हैं। माँ की कृपा से आज दर्शन दोबारा हुए और आपको पता चला कि यहाँ पे किस प्रकार माई के दर्शन होते हैं और यहाँ का क्या महत्व है। मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए, हम यहाँ की लोकेशन आपके साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। हालांकि आपके लिए बहुत ईजी होगा यहाँ पे आना, जब भी आप कभी राधा रानी के रावल गांव में दर्शन करने आएंगे जहाँ पे राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल स्थान से यानी कि जो मुख्य गेट है वहाँ से हार्डली 100 मीटर पहले या 200 मीटर पहले माँ का जो द्वार आता है आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आए, दर्शन करें और आनंद लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज के दर्शन आपको अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। माँ चंद्रावली धाम से आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।